नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सोशल मीडिया पर बीसलपुर को जिला बनाए जाने की खबर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में लोगों ने पुमाया के राजीव चौक पर किया धरना प्रदर्शन। लोगों का कहना, पुमाया को शाहजहांपुर से दूर नहीं होने दिया जाएगा। फरुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन का सर्वे कार्य हुआ पूरा। डीआरएम मुरादाबाद मंडल ने रेलवे बोर्ड को भेजी रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने मांग कर कराया रेल लाइन का सर्वे। किलर के पुराया गांव के पास नहर में दिखा विशाल मगरमच्छ। मगरमच्छ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई सूचना। और कटरा गौशाला में गौवंशों की दयनीय हालत देखकर गौरक्षकों ने जताया रोष। अव्यवस्थाओं को लेकर अधिशासी अधिकारी को बताया जिम्मेदार। अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए की गई शिकायत। सोशल मीडिया पर बीसलपुर को जिला बनाए जाने की चल रही खबर को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। आज पुमाया में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए और राजीव चौक पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि पुमाया को शाहजहांपुर में ही रहने दिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि कल ही पुमाया विधायक चेतराम ने इस बात को स्पष्ट किया था कि बीसलपुर को कोई जिला नहीं बनाया जा रहा है और ना ही पुमाया को शाहजहांपुर से दूर किया जा रहा है। उसके बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में शाहजहांपुर से बड़ी संख्या में सपा समर्थक शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खां भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखनऊ के सम्मेलन में शामिल हुए। उनके साथ समाजवादी पार्टी के समर्थक रणजय सिंह यादव, आमिर सुल्तानी, अतिउल्ला सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कलान थाना क्षेत्र के शुड़ी गांव में मकान का दरवाजा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उनके पड़ोस के ही लोग दरवाजा लगाने का विरोध कर रहे हैं और उनके दरवाजा से सटाकर खूंटा लगा दिया है, इसके चलते उनको दिक्कतें हो रही हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। कटरा गौशाला में गौवंशों की दयनीय हालत देखकर गौरक्षकों ने नाराजगी व्यक्त की है। अव्यवस्थाओं को लेकर गौरक्षकों ने अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदार बताया है। तो वहीं गौरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत शर्मा ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत भी दी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की आज जयंती मनाई गई। पंजाबी सिख समाज सेवा संगठन ने आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान समाजसेवी सरदार राजू बग्गा ने कहा कि सरदार भगत सिंह के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने मां भारती की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मॉडल गांव प्रोजेक्ट के एडिशनल मिशन डायरेक्टर डॉक्टर हीरालाल आज मदनापुर इलाके के गांव सोहरा पहुंचे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान ग्राम प्रधान के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर हीरालाल ने मॉडल गांव बनाने को लेकर अपने विचार रखे। डॉक्टर हीरालाल ने कहा कि मॉडल का प्रोजेक्ट भारत के सभी गाँव को आत्मनिर्भर और मॉडल बनाने की पहल है। गाँव वालों को विकास के प्रति जागरूक करने के लिए विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से वंचित विकास पर अनेक गांव में कार्य किया जा चुका है। इस दौरान ऐतिहासिक स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि सोहरा को कैसे मॉडल गांव बनाया जा सकता है। शाहजहांपुर जिले से रेलवे संबंधित समस्याओं के लिए राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने मुरादाबाद मंडल के डीआरएम अजय नंदन से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग और स्वचालित सीढ़ियां सहित अन्य कार्यों को कराए जाने की मांग की थी, जिसके जवाब में अब डीआरएम ने संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा।
मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद ने फर्रुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन बिछाए जाने की भी मांग की थी, जिसके जवाब में DRM ने बताया कि सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में आज विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। इस दौरान रोल प्ले और CME द्वारा आम जनता के लिए रेबीज जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य MS, CMS, नोडल और विश्व रेबीज दिवस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर JP सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए। नवरात्र की शुरुआत होते ही फलों के दामों में उछाल देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि फलों के दामों में काफ़ी तेजी आई है, जिसके चलते आम लोगों को फल खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तेलर इलाके के पुराया गांव के पास नहर में मगरमच्छ देखा गया है। मगरमच्छ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग और डायल 112 को सूचना दी है। चिंदौली क्षेत्र के मुड़िया मोड़ स्थित MA पब्लिक स्कूल में आज सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बच्चों को भगत सिंह के जीवन परिचय के बारे में भी बताया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। ये तस्वीरें कैबिनेट मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं।